इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में कहां कहां पर फिर से नजर आए हैं साजिश वाले ड्रोन, दो राज्यों की खूनी झड़प में किस तरह से अमित शाह ने बनाया नया फॉर्मूला, और देश के किस किस राज्य में किन किन शर्तों के साथ आज से खुल गए स्कूल। लेकिन सबसे पहले देखिए मुहर्रम पर पुलिस के फरमान से यूपी में क्यों मच गया है बड़ा बवाल। आज की बड़ी खबर, यूपी में मुहर्रम को लेकर डीजीपी की गाइडलाइंस पर विवाद हो गया है। डीजीपी ऑफिस की तरफ से मुहर्रम को लेकर एक सर्कुलर जारी हुआ है और सभी जिलों के एसपी और सभी पुलिस कमिश्नर को भेजी गई इस चिट्ठी की भाषा पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कड़ा एतराज जताया और कहा कि सर्कुलर को वापस लेकर डीजीपी माफी मांगे। अगर सर्कुलर वापस नहीं हुआ तो मुहर्रम पर प्रशासन की होने वाली हर मीटिंग का मुस्लिम समाज बहिष्कार करेगा। हर त्यौहार पर पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी होती है, मुहर्रम पर भी एडवाइजरी जारी हुई है और इस एडवाइजरी में शिया और सुन्नी के विवाद का जिक्र किया गया है और इस पर शिया समाज को एतराज है और आरोप लगाया गया है कि एक पवित्र त्यौहार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी गाइडलाइंस से मुहर्रम की छवि खराब होती है। डीजीपी के सर्कुलर में कहा गया है कि मुहर्रम पर ना तो जुलूस निकालने की इजाजत दी जाए ना ही ताजिया निकाला जाए। ताजिए और जुलूस पर बैन पर अभी तक कोई सवाल नहीं उठाया गया है, लेकिन सर्कुलर में जो दूसरी बातें लिखी गई हैं उन पर विवाद खड़ा हो गया है। सर्कुलर में कहा गया है कि मुहर्रम अति संवेदनशील और इस मौके पर शिया सुन्नी के बीच विवाद की आशंका रहती है। मुहर्रम पर शिया वर्ग के असामाजिक तत्व तरबा पड़ते हैं और पतंगों और आवारा पशुओं पर तबर्रा लिखा दिया जाता है। इससे सुन्नी समाज नाराज हो जाता है और जवाब में मधे सहाबा पड़ा जाता है। सर्कुलर की इस भाषा पर मुस्लिम धर्मगुरु एतराज जता रहे हैं। सर्कुलर वापस लेने, ड्राफ्ट बनाने वालों पर कार्रवाई करने और डीजीपी की तरफ से माफी मांगे जाने की मांग कर रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि एक पवित्र त्यौहार को बदनाम किया जा रहा है और डीजीपी ऐसा कर तनाव फैलाने वाले काम कर रहे हैं। इसमें मुहर्रम जो हमारा पाक और मुकद्दस जो महीना है और जिसमें इंतहाई मुकद्दस और पाकीज़ा प्रोग्राम होते हैं और इंतहाई पुरान प्रोग्राम होते हैं, उसके लिए बहुत ही गलत लफ्ज इस्तेमाल की गई है इसमें और उसको बहुत ज्यादा उसका इमेज खराब करने की कोशिश की गई है। और ऐसा लगता है कि इन्हें हमारे डीजीपी साहब ने मुहर्रम की जो रूह है और उसकी जो स्पिरिट है उसको समझे बगैर ये बयान जारी कर दिया है, क्योंकि ये ड्राफ्ट जो है डीजीपी साहब की तरफ से तो नहीं होगा, ये उनके ऑफिस के लोगों ने किया होगा। जो ड्राफ्ट किया गया है, जो लैंग्वेज यूज की गई है, उसके ऊपर पूरे शिया समुदाय को, पूरी हमारी कम्युनिटी को, पूरी कौम को एतराज है। ये इंतहाई अफसोसनाक बातें उसमें बयान की गई हो और इस्तेमाल की गई, जुमले इस्तेमाल की गए, हमारी पूरी कौम के जज्बात को ठेस पहुंची है और हम ये डिमांड करते हैं कि ये खत वापस लिया जाए और माफी मांगी जाए उस डिपार्टमेंट की तरफ से। और साथ ही साथ हम पूरे प्रदेश के तमाम उलमा से इस बात के ऊपर एहतजाज करने की गुजारिश करते हैं कि अगर अमन कमेटी और पीस कमेटी के लिए आपको मीटिंग में शिरकत के लिए बुलाया जाए तो आप उसका बहिष्कार करें। और हमसे बात करने के लिए जुड़ गए हैं रुचि कुमार। रुचि, जिस तरह से ये एक इंटरनल मेल है जो भेजा गया है सभी ऑफिसर्स को, पहली बात तो है कि इसको लेकर इतनी बड़ी जो ये विवाद कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी हो गई है, और दूसरी चीज है कि क्या पुलिस की ओर से या फिर सरकार की ओर से इस इंटरनल लेटर पर कोई रिएक्शन आया है? जी हाँ, देखिए बिल्कुल, इसमें जो लेटर वायरल हो रहा है इसमें गोपनीयता की आवश्यक ऊपर कॉर्नर पे लिखा हुआ है। अब पुलिस का कहना है कि इसकी जांच कराई जाएगी कि ये बाहर कैसे आ गया। दूसरी बात, पुलिस ये कह रही है कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से हमारी बात की, उनका कहना है कि ये जो लेटर है ये कोई नया नहीं है, ये कई साल से जारी हो रहा है। इसमें सिर्फ नया वो है जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करने को कहा है वो इसमें ऐड किया गया है। और ये पिछले कई सालों से मुहर्रम के मौके पर जारी होता रहा है, क्योंकि ये इंटरनल लेटर है और अपने जो पुलिस कमिश्नर्स हैं, एसएसपी हैं, एसपी हैं, उनको हालात के बारे में बताने के लिए चिट्ठी लिखी है। उनका कहना है कि इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि ये असामाजिक तत्व ऐसा करते हैं, इसलिए
वो मौलाना उसे कह रहे हैं कि इस चीज को अपने ऊपर ना ले, ये असामाजिक तत्वों के ऊपर है कि असामाजिक तत्व ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ये पुलिस का कहना है। लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा है मौलानाओं में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए बॉर्डर पर फिर कहां से आए साजिश वाले ड्रोन। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।